हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर्स। और फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस भी आ रहे थे, पर्सनल फोन कॉल्स भी आ रहे थे। सर, हम लोगों ने HSSC की कोचिंग ली हुई है, या फिर कई बच्चों ने SSC की कोचिंग ली हुई है कि सर हम लोगों ने इन चीजों की कोचिंग ली हुई है, हमें पता है कोचिंग किस तरह से पढ़ना है, कोचिंग में क्या करवाते हैं, वो सारी चीजें हमें पता है। तो सर, हमें जो है अभी कोचिंग नहीं लेनी है, हम किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग नहीं लेना चाहते, बस हमें जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज के बेस्ट नोट्स मिल जाएं, हम क्योंकि अब हम सेल्फ स्टडी करना सीख चुके हैं। कोचिंग की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको सेल्फ स्टडी की हैबिट नहीं होती, आपको पता नहीं होता, आपको पाथ का नहीं पता होता, आपको रास्ता नहीं पता होता कि आपने किस वे में मेहनत करनी है, तब आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। जब आप लोग इनमें से किसी भी चीज की कोचिंग ले चुके हैं, SSC, बैंकिंग, HSSC, तो आपको समझ आ गया कि कोचिंग में करवाते क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस देते हैं, आपको कुछ स्टडी मटेरियल मिलता है, आपको पढ़ के नेक्स्ट डे जाना होता है, यही करवाया जाता है। और HCS में भी क्या है, HCS की कोचिंग में भी तो यही होता है, बस जो नोट्स होते हैं उसमें से आपको पढ़ाया जाता है और वो आपको याद करना पड़ता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि सर हमें HCS के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएं। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं कि सर हमें हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए, प्री प्लस मेंस के कुछ चाहते हैं कि सर हमें इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए, कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के नोट्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी आपके पास टाइम है, अभी जो नोट्स हैं वो प्री प्लस मेंस के आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोट्स सेम रहते हैं, उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि ये क्वेश्चन प्री में इस तरह से आएगा, मेंस में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। तो आपको बस वो जानना होता है कि प्री में आपने उसमें से जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको किस तरह से आपने यूज करना है, और मेंस में जो दी हुई इन्फॉर्मेशन को आप लोगों ने किस तरह से यूज करना है। नोट सेम होते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। अब 1857 का विद्रोह हुआ, कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कहां से मतलब कहाँ पे फैला, किसने दबाया, कौन कौन कहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव था, ये सारी चीजें किसमें इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। अब मेंस में क्या पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो है कंडीशंस किस तरह से चेंज हो गई, ब्रिटिशर की जो है जो यहाँ पर कंडीशंस किस तरह से चेंज हो गई, ब्रिटिशर ने क्या क्या चेंजेस किए भारत में। तो आपको बस ये चेंजेस लिखने होते हैं कि 1857 के रिवोल्ट के बाद पहले यहाँ पर क्या होता था, गवर्नर जनरल, बाद में क्या होने लगे, वायसराय होने लगे, वायसराय होने के साथ साथ फिर क्या चेंजेस होने लगे, वो सारी चीजें आपको नोट्स में अच्छे से करवाई जाएंगी। और मैंने आपको इससे पहले एक लेक्चर दिया था कि फ्री लेक्चर सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट तभी होगी जब आप लोग 500 बच्चे एग्री कर जाओगे, 500 स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हमें फ्री लेक्चर सीरीज चाहिए। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस वीडियो का, आप लोग वो वीडियो देख लेना, फ्री लेक्चर सीरीज वाली, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, चीजें उसमें समझ आ जाएंगी। अब ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, और ये आपके नोट्स में भी लिखा होगा कि प्री में किस तरह से यूज करना है इन्फॉर्मेशन को, मेंस में किस तरह से यूज करना है। अगर आपको इसके सैंपल चाहिए कि सर हमें सैंपल चाहिए, आप लोग जो बता रहे हो हमें इसके सैंपल चाहिए, तो भी अगर आपको सैंपल चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9896160956, इस पे मैसेज करके आप लोग जो है फ्री सैंपल ले सकते हैं। सैंपल में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उनकी जो है स्टडी कर सकते हो, 2-3 दिन देख लो आपको समझ आते हैं नहीं आते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर आपको डाउनलोड करनी है पीडीएफ, फ्री पीडीएफ है, तो वो आपको सैंपल के रूप में मिल जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स को क्या है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो अपना नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं, तो भी नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि सर हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ फोन है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और मैं ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी नहीं हूँ, तो मुझे नोट्स जो है हार्ड कॉपी में चाहिए। तो भाई अगर आप हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हो तो आपको हार्ड कॉपी में भी नोट्स मिल जाएंगे। इन दोनों का प्राइसेस के बारे में डिटेल जानने के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आपको भी पता है सही किताब पढ़ोगे, अगर सही रास्ते पे चलोगे तो भी सही जगह पहुंच जाओगे। अगर किसी ने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो एक जो शॉर्टकट रास्ता है, करनाल होते हुए आप दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच जाते हो, आपको पता है सारे नेशनल हाईवेज हैं, आप पहुंच जाओगे बहुत जल्दी। अब दूसरी जगह क्या है, आप दिल्ली से पहले कहाँ जाओ, दिल्ली से आप पूरा हरियाणा कवर कर लो, हरियाणा से आप लोग सिरसा, दिल्ली से आप लोग सिरसा चले जाओ, सिरसा से फिर चंडीगढ़ जाओ, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है ना, बहुत आपका जो है पेट्रोल या जो आप गाड़ी पे जाओगे, बस पे जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे इसी हिसाब से दिल्ली से चंडीगढ़ में सिर्फ आपको 3 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर आप इधर से दिल्ली से सिरसा, सिरसा से चंडीगढ़ जाओगे तो आपके कम से कम 12 घंटे लगेंगे, तो फिर ये 12 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे,
हाँ आप लोग बुक्स पढ़ सकते हैं, बुक से ही नोट्स बनाए हुए हैं। आप लोग नोट्स का एक बार सैंपल चेक कर लेना, अगर आपको पसंद आए, आपके इन्फॉर्मेशन अगर आपके अकॉर्डिंग लगे कि ठीक है ये चीजें पढ़ के मेरा एग्जाम पास हो सकता है, तो आप लोग नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग जो है फ्री क्लासेस का फायदा ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो भाई जरूर पूछिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के लिए हम लोग ऑलवेज रेडी रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।